हेलो दोस्तों, आज बनाएंगे हम वेजिटेबल पनीर सोयाबीन मैगी। तो देखिए, सोयाबीन मैंने गला दिए थे तो ये रहे, और वेजिटेबल पनीर ये रहे। इसमें है हरी मिर्च, प्याज, टमाटर, पनीर, पत्ता गोभी, और मैगी मैंने उबाल ली है। और थोड़ा सा मैगी में रिफाइंड डाल लें ताकि ये चुपके ना ज़्यादा, जैसे ऐसे एक एक बिखर जाए। ठीक है, अब चलो बनाते हैं। अब इसमें डालते हैं हम कढ़ाई में बटर। कढ़ाई में बटर डालते हैं और अब बनाते हैं। अब वो आप अपने हिसाब से डालें इसमें बटर, जितना आप देख लें कि आपका कितने में ये सारी वेजिटेबल तल जाएंगी। और मैंने बटर लिया है अमूल का, और आप जो भी लेना चाहे वो ले सकते हैं। अब इसमें डालते हैं थोड़ा सा जीरा। अब जीरे को भुजने देते हैं। अब हम इसमें डालते हैं प्याज। देख सकते हैं जीरा भुज गया है, प्याज डालते हैं। और प्याज को अब अच्छी तरह से भूजते हैं। अब हम इसमें डालते हैं टमाटर। ये प्याज भुज गई है, देख सकते हैं आप। और अब टमाटर, और टमाटर भी भुज गया। अब इसमें हम डालते हैं हरी मिर्च। अब हरी मिर्च भूजते हैं। अब हम इसमें डालेंगे, अब ये टमाटर, हरी मिर्च, प्याज सब भुज चुका है। अब इसमें हम डालेंगे पत्ता गोभी। पत्ता गोभी को भी अच्छी तरह से भूजेंगे इसमें, ताकि कच्चापन ना आए। अब हमारा अच्छी तरह से पत्ता गोभी भी हो गया है। अब हम इसमें डालते हैं सोयाबीन, और सोयाबीन को अच्छी तरह चलाते हैं। अब हमारी ये सोयाबीन भी अच्छी तरह से हो गई है। अब हम डालते हैं इसमें पनीर। पनीर को चलाते हैं। पनीर को थोड़ा धीले आग से चलाएं, ताकि, क्योंकि अगर तेज आग से चलाओगे मुलायम तो होता है वो सारा, फिर उसमें मिक्स हो जाएगा। अब हमारा ये सब हो चुका है। अब हम जो मैगी के साथ जो पाउच निकलते हैं वो मैगी मसाला डालेंगे। ठीक है, अब मसाले को अच्छी तरह से चला लेंगे। अब हमारा ये सारा मसाला तैयार है। अब इसमें हम डालते हैं जो हमने उबाल के रखी थी मैगी। अब इसमें मैगी डालेंगे। अब ये हमारी थोड़ी मैगी तैयार है। अब इसमें हम डालते हैं मैगी मसाला, थोड़ा सा स्वाद के लिए, ताकि थोड़ा इसमें पीलापन आ जाए इस मैगी में। अब इसमें थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डालते हैं, क्योंकि थोड़ा कम ही डालें, क्योंकि मैगी में भी नमक होता है, तो कहीं आपकी मैगी ज़्यादा नमकीन हो जाए, नमक नमक हो जाए। अब थोड़ी सी डालते हैं टमाटो केचप। थोड़ी सी डालते हैं सेजवान चटनी, ताकि इसमें थोड़ा खट्टे मीठे वाला टेस्ट आए। अब इसको चलाते हैं। अब आप देख सकते हैं ये रेडी हो चुकी है, और अब इसको प्लेट में खिलाते हैं। अब आप देख सकते हैं ये रेडी है, मैंने प्लेट में खिला ली है। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब, और प्लीज़ देखना ना भूलें। प्लीज़ देखा करो मेरी वीडियो, अगर अच्छी लगे या मेरी वीडियो में कोई कमी लगे तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, किसी को भी ये बनाकर खिला सकते हैं, जिसको मैगी पसंद है। वैसे तो सबको मैगी पसंद है। और मेरा नाम है रीनू चौधरी, फूडी, राधे राधे।